पिछले एपिसोड में आपने देखा था अंडमान निकोबार के नॉर्थ बे, रॉस और हैवलॉक द्वीपों का सफर। आज इसके बाद देखिए आगे की यात्रा। नील द्वीप की खास बात हम वहीं चल के बताएंगे, लेकिन आपको संकेत में ये बता दें कि इस द्वीप पर ज़्यादातर नाम रामचरितमानस के पात्रों पर हैं। हाँ, रंग बिरंगी प्रवाल यानी कोरल भी आपको देखने का नज़ारा वहाँ मिल सकता है। नील की यात्रा हम लोग इस शानदार नए नवेले जहाज से करेंगे। ये शानदार क्रूज आधुनिकतम तकनीक और सुविधाओं वाला है। ये पर्टिकुलर ये इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा हार्ट है शिप का, जो बताता है आपको, दिमाग है जो बताता है आपको कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ये दिखाएगा कि हाँ यहाँ पे ये अलार्म है, ये दरवाजा खुला है यहाँ पे। और ये जो ब्लैक सा ब्लॉक बॉक्स लगा हुआ है, ये जैसे फ्लाइट में ब्लैक बॉक्स होता है, उस तरह हमारे शिप में इसको बोलते हैं वॉइस डेटा रिकॉर्डर। हमारा यहाँ क्या बातचीत हुआ, किससे कम्युनिकेट करे, कैसे करे, क्या लास्ट मोमेंट पे, वो रिकॉर्ड होता है। ये जो माइक्स लगे हुए हैं ना जगह जगह, यहाँ पे भी है, बाहर स्टेशन में भी है, तो वो रिकॉर्ड कर लेगा। और उसको वो रिकॉर्ड करके हमारे कैप्सूल है बाहर रखा हुआ ऑरेंज सा, तो उसको रिट्रीव करके उसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नील पर कोरल का खजाना है। जो भी यहाँ आता है इस खजाने को अपनी आंखों से लूटता है। हम भी इस घने जंगल से होते हुए बीच तक जाएंगे। थोड़ी देर पहले इसी फिल्म में मैंने आपको कहा था कि अगर आप कुदरत के हुस्न से प्यार करते हैं तो अंडमान के द्वीप आपको दावत दे रहे हैं। नील के इस द्वीप समूह में ऐसी ही दावत दी है कोरल ब्रिज पर बने कोरल ब्रिज ने। ये कोरल ब्रिज एक प्राकृतिक पुल है, शाम से लेकर सुबह तक पानी में डूबा होता है, लेकिन जैसे ही दोपहर होती है सैलानियों की भीड़ यहाँ लग जाती है इस अद्भुत ब्रिज का नज़ारा देखने के लिए। Neil Island. We love the Andamans. They're relaxed, they're quiet beaches. You might be the only person on the beach. Beautiful corals, jungle just on the shore, fresh fruit and vegetables, fresh fish every night. It's an untouched paradise. Well, this place is good. The water is clean, sea green, blue water. So if you love nature and if you want to see clean water, this is the place to be in. So Andaman is your destination. Thank you.
कोरल का नजारा देखने के लिए हमने एक ग्लास बोट किराए पर ली है। हमारे साथी इस ग्लास के नीचे की दुनिया अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। नील का सफर पूरा, अब हम लौट रहे हैं उसी क्रूज से जिसने हमें यहां पहुंचाया था। कुछ द्वीपों की सैर करने के बाद हम आ पहुंचे हैं वापस पोर्ट ब्लेयर, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा सफर अभी खत्म हो गया है। हम अब जाएंगे एक ऐसे द्वीप पर जो दुनिया में सबसे अनोखा है, एक नहीं दो द्वीप और दोनों जुड़वां। जुड़वां द्वीपों की सैर पर चलेंगे कल। अंडमान में दूर दूर बसे लोगों की सहूलियत के लिए कुछ द्वीपों के बीच बड़ी अच्छी हेलीकॉप्टर सेवा है। हमने ऐसे ही एक हेलीकॉप्टर का टिकट लिया है। हमारा अगला पड़ाव है दिगलीपुर। आसमान से इन द्वीपों का नजारा शानदार है। घने जंगल और समंदर के किनारे अच्छे लग रहे हैं। दिगलीपुर एक साफ सुथरा टापू है। यहाँ के लोग खामोशी पसंद हैं। यहाँ की शांति वाकई ठंडक देने वाली है। अंडमान के टूरिस्ट डिपार्टमेंट का ये रिसॉर्ट एक पहाड़ी पर है। नाश्ते के बाद हम जाएंगे मड वॉल्केनो, यानी एक ऐसा ज्वालामुखी जिसमें से राख का लावा निकलता है। मड वॉल्केनो का ये अनुभव मेरे और मेरे साथियों के लिए बेहद रोमांचक था। डराने वाला भी था। घने जंगलों से गुजरते हुए हम अब आ पहुंचे हैं दिगलीपुर के इस मड वॉल्केनो पर, और ये हम देख रहे हैं कि इस जंगल में मड वॉल्केनो एक जगह नहीं कई कई जगहों से ये जमीन के अंदर से अभी भी निकल रहा है। मेरा नहीं निकलेगा पे। नहीं निकलेगा सर। अरे रहने दो, तो मत कोई बताओ। एक मिनट में आ रहा हूँ। सर मैं आ रहा हूँ। सर हैंड दीजिए। कोई मत आगे निकल। सॉरी इधर दीजिए, इधर इधर बैग दीजिए पहले। कोई मत आओ। हाँ इधर बैग। इधर 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 ये पैर आ गया। ये मत उठाओ, वहाँ गीला है। आराम से। ओह माय गॉड।
सर अकेला होता बंदा तो फट जाएगा। हाँ, हम अभी आपसे बात ही कर रहे थे कि ये मड वॉल्केनो है और यहाँ से जिंदा लावा निकल रहा है, और जैसे ही हम यहाँ से दूर जाने लगे अचानक एक जगह मेरा पैर, आप देख रहे हैं किस तरह से धस गया, और मुझे लगा कि मैं एकदम नीचे जा रहा हूँ। सैर सपाटे में तो इस तरह का एक्सपीरियंस हो तो मजा और बढ़ जाता है। हमें काफी पैदल चलना पड़ा है, थकान और भूख दोनों हमें बेचैन कर रही है। हमारे पास एक दिन है और अंडमान के द्वीप अनंत, हमारी टीम को किसी एक द्वीप का चुनाव करना है। डिनर के बाद हमने एक बेहद दिलचस्प 2-in-1 टापू पर जाने का फैसला किया है। 3 बजे रात को चलना पड़ेगा, तब आप 12 टांग जाके पहुंचे। हमारे अंडमान निकोबार यात्रा का ये आखिरी द्वीप है, लेकिन ये एक द्वीप नहीं, 2 द्वीप हैं। नाम एक लेकिन द्वीप 2, जुड़वा द्वीप। दुनिया का शायद ये अपने आप में अनोखा द्वीप है। रात में ये द्वीप एक हो जाते हैं और दिन में आके अलग हो जाते हैं। आज हम देखेंगे इसी जुड़वा द्वीप का ये नज़ारा। और अब हम आ पहुंचे हैं उस ऐतिहासिक और अनोखे द्वीप पर, जो एक है या दो, आप कुछ भी कह लीजिए। नाम 2 है, द्वीप 1 है, या द्वीप 2 है, नाम भी 2 है। मेरे जो दाहिने तरफ आप देख रहे हैं यह है स्मिथ, और मेरे बाएं तरफ जो आप देख रहे हैं यह है रोज। और इन दोनों द्वीपों को जोड़ने के लिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक सफ़ेद सी रेत की चादर बिछी हुई है। कहानी ये है कि आज़ादी के पहले 2 सगे भाई यहाँ आए थे। दोनों भाई एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक का नाम था रोज़ और दूसरे का नाम था स्मिथ। वो इस आइलैंड पे आकर के चले गए, रहे, उन्होंने आनंद मनाया, और जब वो चले गए तो उनकी याद में हम लोगों ने उनका नाम रख दिया रोज और स्मिथ। आइए चलते हैं इस अनोखे और अनूठे आइलैंड पर। रॉस और स्मिथ टापुओं के बाद हमें पोर्ट ब्लेयर लौटना है, लेकिन हमें अचानक पता चला है कि हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा। हालांकि हमारे टिकट कंफर्म थे, लेकिन इस टापू पर कुछ लोगों की तबीयत खराब है, उन्हें तत्काल इलाज की जरूरत है। अंडमान का प्रशासन ऐसे बीमारों को हर कीमत पर मेडिकल सुविधा मुहैया कराता है। अब हमें पूरे दिन सड़क के रास्ते पोर्ट ब्लेयर जाना पड़ेगा। परेशानी तो है, लेकिन किसी की जिंदगी से बड़ी नहीं। हम एक टैक्सी लेकर निकल पड़े हैं। रास्ता दिलचस्प है। हमारी कार
समंदर में दो बार बड़े जहाजों में चढ़ाकर पार लगाई गई है। हम आज दिल्ली लौटेंगे, लेकिन जाने से पहले उस स्थान पर जाएंगे जो हर हिंदुस्तानी के लिए एक तीर्थ से कम नहीं है। पोर्ट ब्लेयर की ये सेलुलर जेल हमारे आजादी के आंदोलन का एक ऐसा स्मारक है जो सदियों तक हमें आजाद रहने की प्रेरणा देता रहेगा। सेलुलर जेल हर हिंदुस्तानी के लिए तीर्थ से कम नहीं है। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को सबक सिखाने के लिए इस जेल का निर्माण कराया था। ১৯০৬ में करीब 700 काल कोठरियों में आजादी के दीवानों को ठूंस दिया गया। हर कोठरी डरावनी, अंधेरी, बदबूदार और सीलन भरी। कोई शौचालय नहीं, कोई बिस्तर नहीं, कैदियों के पैरों में लोहे की बेड़ियां, अनगिनत देशभक्त फांसी पर हंसते हंसते चढ़ गए। जेल के कोल्हू में बैल की जगह हमारे सेनानियों को बांधा जाता। दिन भर उन्हें नारियल का तेल निकालना होता, चक्की पीसनी होती और नारियल की रस्सी बनानी होती थी। वो सारा दिन लकड़ी काटते और पत्थर तोड़ते थे। खून सने हाथों से वो हर शाम कोठरी में निढाल लाश की तरह गिर जाते। कोई आंकड़ा नहीं कितनी फांसियां हुई और कितने लोगों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। लकड़ी के तख्ते से बांधकर कई कई दिन खड़ा रखना तो मामूली बात थी। कितने ही देशभक्त यातनाओं से पागल हो गए और न जाने कितनों ने खुदकुशी कर ली। एक बार तो एक साथ 87 लोगों को पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। बाद में पेड़ से लटकी लाशें सारे कैदियों को दिखाई जाती रही। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने कई साल यहां की काल कोठरी में काटे और यातनाएं सही। उन्हें दो जन्मों की कैद सुनाई गई थी। इसके अलावा जिन क्रांतिकारियों ने यहां सलाखों के पीछे जिंदगी काटी, बटुकेश्वर दत्त, गणेश सावरकर, भाई परमानंद, वारिंद्र कुमार घोष, बाबा पृथ्वी सिंह, मौलाना फजल हक खैराबादी और पंडित परमानंद। जनवरी 1979 में इस जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। हर साल लाखों भारतीय अंडमान आते हैं और शहीदों को प्रणाम करते हैं।
शाम हो रही है। पोर्ट ब्लेयर में समंदर किनारे साइकिल चलाने का अलग ही आनंद है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ए.के. सिंह अच्छे साइकिल चालक हैं। कुछ देर हमने भी उनके साथ साइकिल चलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी रफ्तार का मुकाबला मुश्किल था। टूरिज्म को पूरे साल में स्प्रेड करना होगा। वी हैव टू स्प्रेड इट थ्रू आउट। हाँ, अभी सीजनल ज़्यादा है, लेकिन मेरा मानना है कि अंडमान इज गुड एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, इवन मॉनसून सीजन। हालांकि बारिश बहुत होती है यहाँ पे, बट इट्स अ डिलाइटफुल पीरियड। टूरिज्म विच इज़ अलाइंड टू नेचर, विच इज़ अलाइंड टू इकोलॉजी, विच इज़ सस्टेनेबल, आई वुड कॉल इट अ यूनिक ब्रांड ऑफ अंडमान टूरिज्म। वी डोंट हैव टू कॉपी एनीवन एल्स। आई थिंक वी आर हैप्पी इन द वे दैट वी आर प्रोग्रेसिंग एज फार एज टूरिज्म इज कंसर्न। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा जब मिडिल क्लास टूरिस्ट आएगा, एंड देयरफॉर वी आर इनकरेज मिडिल क्लास टूरिस्ट। वो जो आता है फैमिली के साथ आता है, बच्चे होते हैं, ही एंगेजेज अ गाइड, ही एंगेजेज अ टैक्सी, ही गोज एंड डज ऑल काइंड ऑफ सी वर्क एंड अदर एरियाज, एंड देयरफॉर आई थिंक देर इज अ फ्लरिशिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द लोकल्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार एज फार एज टूरिज्म इज कंसर्न। शाम ढल चुकी है। ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम के जरिए शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। मैं तुम्हारा पुराना साथी, वो पुराना पीपल का पेड़ जो जेलखाना बनने के उस लंबे अरसे में हर रोज अपनी जान की खैर मनाता रहा। तब तो तुमने इस जेल में आने वाले प्रेमियों को पहले दिन से देखा होगा। हाँ, जेल के फाटक के भीतर आते ही हर कैदी मेरी ही डालियों के नीचे से गुजरता। कोई माता की उम्मीदों पे न डाले पानी, जिंदगी भर को हमें भेज के डाले पानी। गंभीर विचारों से मुक्ति पाने के लिए मैं मन को बलपूर्वक इन बुलबुलों के चहक में लगाए रखता कि जिस कोठरी के सामने बुलबुल देश प्रेम के गीत गा रही हो वही सावरकर की कोठरी है। सावरकर को बुलबुलों के संगीत की जरूरत रही भी होगी, क्योंकि उनकी कोठरी के ठीक सामने ही फांसी घर था। पहली मंजिल की चार कोठरियां फांसी पाने वाले कैदियों के लिए अलग कर दी गई थी, और यहीं से मौत की सजा पाने वाले कैदी अपना आखिरी सफर शुरू करते हैं। वतन की आबरू का पास देखे कौन रखता है, इस कार्यक्रम ने हमारी आंखें नम कर दी। इसके बाद अब कहीं जाने का मन नहीं, अब तो कल ही जाएंगे। देर रात पोर्ट ब्लेयर पहुंच चुके हैं। कल हम दिल्ली लौटेंगे। हमारी टीम पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर अंडमान की ढेर सारी यादों के साथ विदा ले रही है। निशानी के तौर पर ये फोटो हमेशा हमारे साथ रहेगा।